नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 4 जनवरी 2018। स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। इस वीडियो में हम हिंदू और पीआईबी की इंपॉर्टेंट न्यूज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज है इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम से संबंधित। वैसे तो इस साल के बजट में सरकार ने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम को डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन नीटी ग्रिटीज के बारे में सरकार ने नहीं बताया था कि कितने दिनों तक ये इलेक्ट्रोल बॉन्ड वैलिड होंगे या फिर किस किस डिनोमिनेशन में होंगे। तो अब हर प्रकार की डिटेल्स सरकार के द्वारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में डिक्लेयर कर दी गई है। सबसे पहले सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड प्रोमिसरी नोट होंगे एक तरह के। प्रोमिसरी नोट क्या होते हैं? प्रोमिसरी नोट एक प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं। मान लीजिए दो कंपनी है एक्स और वाई। एक्स कंपनी वाई कंपनी को कुछ प्रोडक्ट्स बेचती है, लेकिन वाई कंपनी के पास फिलहाल पैसे नहीं है एक्स कंपनी को देने के लिए। तो वाई कंपनी प्रोमिसरी नोट दे सकती है एक्स कंपनी को, मतलब कि पेपर पर लिख के दे सकती है कि इतने पैसे आपको दे दिए जाएंगे इतने महीनों के बाद। टाइम फ्रेम दिया भी जा सकता है या फिर यूं भी लिखा जा सकता है एज पर द डिमांड ऑफ एक्स। डेट भी बताई जाती है, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल, सब कुछ दिया होता है प्रोमिसरी नोट पे। यानी प्रोमिस किया जा रहा है इस केस में वाई के द्वारा एक्स को। तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ एक्सचेंज होते हैं प्रोमिसरी नोट। अब देखो इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के बारे में जो निटिग्रिटीज, जो डिटेल्स सरकार ने डिक्लेयर की है, वो भी एक एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं। मान लीजिए मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदना चाहता हूं और इलेक्ट्रोल बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं देना चाहता हूं। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है एबीसी। तो मैं आरबीआई के द्वारा डेजिग्नेटेड बैंक्स में जाऊंगा, जहां पे जाके मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स को खरीद सकता हूं। और मेरे को आजादी होगी कि मैं 1,000 रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीद सकता हूं या फिर 10,000 का, 1,00,000 का, 10,00,000 का, 1,00,000 का। इस प्रकार की डिटेल्स पहले सरकार के द्वारा नहीं बताई गई थी। अब सरकार ने बता दिया है कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड 1,000 में उपलब्ध होगा, 10,000 में, 1,00,000 में, 10,00,000 में और 1,00,000 में। और देखो जब मैं आरबीआई के द्वारा डेजिग्नेटेड बैंक में जाऊंगा इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदने के लिए और इलेक्ट्रोल बॉन्ड को मैं खरीदूंगा, तो उस इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे मेरा नाम नहीं होगा, उस पे मेरा नाम नहीं होगा, बस उस पे यूं होगा कि ये एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड है 10,000 का, ये 1,00,000 का या फिर कितने का भी। उसके बाद जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड देना चाहता हूं, कंपलसरी ये है कि वो पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर होनी चाहिए। इसके अलावा ऐसा ना हो कि जिस पॉलिटिकल पार्टी को मैं इलेक्ट्रोल बॉन्ड देना चाहता हूं उस पॉलिटिकल पार्टी को लास्ट लोकसभा इलेक्शंस या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में 1% से भी कम वोट हासिल हुए हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पे, यानी किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा हासिल करने के लिए यह कंपलसरी है कि उस पॉलिटिकल पार्टी को पिछले लोकसभा इलेक्शंस या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कम से कम 1% से ज्यादा वोट हासिल हुए हों। और जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड मैं आज खरीदूंगा किसी पॉलिटिकल पार्टी को देने के लिए, वो सिर्फ 15 दिनों तक वैलिड रहेंगे। 15 दिनों के बाद, यानी आज अगर मैंने खरीदे हैं तो 15 दिनों के बाद वो इनवैलिड हो जाएंगे। तो वैलिडिटी होगी सिर्फ 15 डेज। और देखो पॉलिटिकल पार्टी को ये बताना होगा इलेक्शन कमीशन को और आरबीआई को कि किस बैंक में, किस बैंक के खाते में आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा हासिल करना चाहते हो। ऐसे नहीं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है अपनी मनमानी कर लें, किसी भी बैंक में, किसी भी बैंक के खाते में वो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पैसा हासिल कर लें। नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज को पहले से बताना होगा कि ये हमारा बैंक का खाता है और बैंक के खाते का ये खाता नंबर है और जो भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड से हमें पैसा हासिल होगा इस बैंक के इस खाते नंबर में वो पैसा जाएगा, ताकि इलेक्शन कमीशन भी उस पैसे को मॉनिटर कर सके, समझ गए, उस डोनेशन को मॉनिटर कर सके। तो ये सारी डिटेल्स थी इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स स्कीम के बारे में। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? महाराष्ट्र सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को एक प्रपोजल सेंड किया है कि आप मराठी लैंग्वेज को भी क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दीजिए। अभी देखो कल्चरल डिपार्टमेंट ने, कल्चरल मिनिस्ट्री ने 6 लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हुआ है। सबसे पहले तमिल को दिया था 2004 में, उसके बाद तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, संस्कृत। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेती है कि किस लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा प्राप्त है। 2014 में भी क्वेश्चन पूछा था और 2015 में भी। तो इंपॉर्टेंट है ये। अब क्राइटेरियाज की बात करते हैं कि क्राइटेरियाज क्या है किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस देने के लिए। सबसे पहले वो लैंग्वेज 1500 से 2000 साल पुरानी होनी चाहिए, यानी कि उस लैंग्वेज का 1500 से 2000 साल पुराना कुछ लिटरेचर, कुछ टेक्स्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो ये एंसेंट लिटरेचर और जो टेक्स्ट का रिकॉर्ड है उस लैंग्वेज का 1500 से 2000 साल पुराना, कई सारी जनरेशंस जो उसके बाद में आई उन जनरेशंस के द्वारा उस लैंग्वेज के रिकॉर्ड को हेरिटेज के तौर पे माना गया हो, वैल्यूएबल माना गया हो उस एंशिएंट लिटरेचर को। जैसे कि तमिल का जो संगम लिटरेचर है काफी पुराना है, संगम लिटरेचर को जो तमिलियंस हैं वो एक हेरिटेज के तौर पे मानते हैं, समझ गए। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, ओरिजिनल होना चाहिए उस लैंग्वेज का लिटरेचर। ऐसा नहीं कि किसी दूसरी स्पीचिंग कम्युनिटी या फिर किसी दूसरी लैंग्वेज से बोरो किया हो, लिटरेचर जो है वो ओरिजिनल होना चाहिए।
तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसके बेस पे किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जा सकता है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो फायदे क्या हो सकते हैं उस लैंग्वेज को। वन टाइम ग्रांट दी जा सकती है 100 करोड़ की। मान लीजिए अभी जैसे महाराष्ट्र सरकार ने मांग की है कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे दिया जाए, अगर कल्चरल मिनिस्ट्री मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दे देती है तो 100 करोड़ रुपए की वन टाइम ग्रांट दी जाएगी ताकि मराठी में और ज्यादा रिसर्च हो सके, मराठी के बारे में और ज्यादा रिसर्च हो सके, मराठी को डेवलप किया जा सके और ज्यादा। उसके बाद अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज के जो एमिनेंट सेकुलर्स होंगे उन सेकुलर्स को हर एक साल 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स दिए जाएंगे। उस लैंग्वेज के लिए सेंटर ऑफ एक्सलेंस एस्टैब्लिश किए जा सकते हैं। और सबसे लास्ट में UGC यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिक्वेस्ट की जा सकती है कि आप एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में कुछ प्रोफेशनल चेयर्स उस लैंग्वेज के लिए इस्टेब्लिश कीजिए ताकि उस लैंग्वेज में के बारे में और ज़्यादा रिसर्च हो सके, उस लैंग्वेज को और ज़्यादा डेवलप किया जा सके। तो ये सारे हमने फायदे डिस्कस किए कि अगर किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस दिया जाता है तो उस लैंग्वेज को क्या बेनिफिट्स होंगे। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में है। USA की जो स्पेस एजेंसी है नासा ने स्पेस में एक एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या किसी प्लांट फॉर एग्जांपल वीट पे अगर लगातार लाइट डाली जाए तो क्या वीट की अर्ली रिप्रोडक्शन इंश्योर की जा सकती है। मतलब कि लगातार लाइट डालने से क्या फसल जल्दी पक के तैयार हो सकती है। इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट किया था नासा ने स्पेस में। अब उसी एक्सपेरिमेंट से सीखते हुए ऑस्ट्रेलिया के कुछ साइंटिस्ट ने स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक को ईजाद किया है। इस तकनीक की सहायता से क्रॉप की प्रोडक्शन को 3 गुना तक बढ़ाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया, DS फेराडे जो कि वीट की एक वैरायटी है इस पे इस्तेमाल किया, प्रोडक्शन को 3 गुना तक बढ़ाया जा सका। होता क्या है स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक में, एक मॉडिफाइड ग्लास हाउस होता है। मॉडिफाइड ग्लास हाउस में रेगुलेटेड इन्वायरमेंट होता है और क्रॉप्स पे लगातार LED लाइट डाली जाती है। तो LED लाइट डाली जाती है तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो इंटेंस हो जाती है, फसल जल्दी पक के तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से क्रॉप की प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक की सहायता से। अभी वैसे इंडस्ट्री में नहीं आई है, अभी तो इन्होंने साइंटिस्ट ने ऑस्ट्रेलिया के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, लेकिन हो सकता है कि इस साल के अंत तक इंडस्ट्री में इस प्रकार की जो टेक्निक है स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक जिससे क्रॉप की प्रोडक्शन इन्हेंस हो जाती है मार्केट में आ जाए। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में है। न्यूज डिस्कस करने से पहले हम बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में। ये एक मल्टी गीगाबिट पैन इंडिया नेटवर्क है। इस नेटवर्क की सहायता से हमारे देश के डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, हेल्थ केयर या फिर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। अगर देखो ये सारे इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज, लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज आपस में कनेक्ट होंगी, हाई स्पीड कनेक्टिविटी इन सब के बीच में होगी, तो देखो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज आपस में कोलैबोरेट कर सकेंगी। एक प्रोजेक्ट पे 2 यूनिवर्सिटीज नेटवर्क की सहायता से, कनेक्टिविटी की सहायता से मिलके एक प्रोजेक्ट पे काम कर सकेंगी। रियल टाइम डेटाबेस को शेयर किया जा सकेगा, एक यूनिवर्सिटी का डेटाबेस लेकिन वो यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ उस डेटाबेस को शेयर कर सकेगी, क्योंकि आपको पता है आजकल कोलैबोरेशन का जमाना है। तो काफी फायदा होता है इस नेशनल नॉलेज नेटवर्क से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज मिलकर काम कर सकती हैं, मिलकर रिसर्च कर सकती हैं, मिलकर एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकती हैं, खास करके न्यूक्लियर, स्पेस, डिफेंस रिसर्च से जुड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद है ये नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब न्यूज की बात करते हैं। न्यूज ये है कि सरकार ने अब एक प्रोसेस स्टार्ट कर दी है, सरकार एक टेलीकॉम कंपनी की खोज कर रही है ताकि नेशनल नॉलेज नेटवर्क को सार्क कंट्रीज के जो मेंबर्स हैं, यानी सार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं जैसे कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, वहां की यूनिवर्सिटीज, वहां की जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ भी हमारे देश की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को आपस में कनेक्ट किया जाए नेशनल नॉलेज नेटवर्क की सहायता से। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, सार्क में पाकिस्तान को छोड़ दिया गया है, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को ऐड नहीं किया जाएगा नेशनल नॉलेज नेटवर्क में। पाकिस्तान को छोड़ के सार्क के अंदर जो बाकी कंट्रीज हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, वहां की यूनिवर्सिटीज और वहां के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को नेशनल नॉलेज नेटवर्क की सहायता से कनेक्ट किया जाएगा हमारे देश की यूनिवर्सिटीज और हमारे देश के रिसर्च इंस्टीट्यूशंस से। तो ये पूरा आर्टिकल था नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में। चलते हैं आगे। आगे PIB है, देख लेते हैं प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में आज कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है। ICCR फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा। मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और ये जो बॉडी है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ऑटोनोमस बॉडी है। काम क्या है,
काम यह है इस ऑर्गेनाइजेशन का कि इंडिया के दूसरे देशों के साथ कल्चरल रिलेशंस को मजबूत बनाना। अभी देखो कैसे मजबूत बनाए जा सकते हैं इंडिया के कल्चरल रिलेशंस दूसरे देशों के साथ मजबूत, कल्चरल हेरिटेज को शेयर करके, पीपल को एक्सचेंज करके। फॉर एग्जांपल अभी देखो बुद्धिज्म जो धर्म निकला था वो हमारे देश से निकला था और जापान में बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा प्रीच किया जाता है, तो जापान और इंडिया, जापान के लोग इंडिया में आ सकते हैं गया या फिर बुद्धिज्म से रिलेटेड जो कल्चरल साइट्स हैं वहाँ पर विजिट करने के लिए, और इंडिया के लोग जो बुद्धिज्म को मानते हैं वो जापान जा सकते हैं, जापान और इंडिया आपस में बुद्धिज्म से रिलेटेड कल्चरल हेरिटेज को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों से कल्चरल रिलेशंस को दूसरे देशों के साथ और ज़्यादा मजबूत बनाए जा सकते हैं। और ये जो बॉडी है ICCR, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेगी ताकि इस प्रकार की पॉलिसीज, इस प्रकार के स्कीम्स चलाई जा सकें कि इंडिया के जो कल्चरल रिलेशंस हैं दूसरे देशों के साथ वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो सके। अभी क्या कंटेक्स्ट है, कंटेक्स्ट ये है कि प्रेसिडेंट ने विनय सहस्रबुद्धे को ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है। तो ये पूरा आर्टिकल था ICCR के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है, केरला के नीलांबर टीक को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। काफी फेमस है केरला का नीलांबर टीक, जिसे मालाबार टीक के नाम से भी जाना जाता है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री में जगह मिली है। और देखो हमारे देश में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अंदर किसी भी प्रोडक्ट के लिए ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दिया जा सकता है और ये एक कम्युनिटी राइट है। कम्युनिटी राइट कैसे है, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। देखो दार्जिलिंग की चाय काफी फेमस है, आपको पता है, तो दार्जिलिंग की चाय के लिए दार्जिलिंग के लोगों को कम्युनिटी राइट दे दिया गया है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दिया गया है दार्जिलिंग के लोगों को कि सिर्फ और सिर्फ दार्जिलिंग में जो चाय बनेगी और दार्जिलिंग के जो लोग जिस चाय का निर्माण करेंगे उसे ही दार्जिलिंग की चाय के नाम से बेचा जा सकता है। ऐसे नहीं कि दार्जिलिंग के बाहर भी कोई थर्ड पर्सन कहीं और से चाय ले आए और दार्जिलिंग के चाय के नाम से उस चाय को बेचने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ दार्जिलिंग के अंदर के जो लोग हैं, दार्जिलिंग सिटी के जो लोग हैं, वही अपनी चाय को दार्जिलिंग चाय के नाम से बेच सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि देखो अब दार्जिलिंग सिटी से बाहर कोई दूसरी सिटी है, दिल्ली की मान लीजिए कोई सिटी है, वो पर्सन कहीं और से चाय ले आया और दिल्ली की सिटी में बेचने लगा, लेकिन नाम उस पर लगा दिया कि ये दार्जिलिंग की चाय है। अब देखो हो सकता है कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन वो बेच रहा है दार्जिलिंग चाय के नाम से, तो इससे तो दार्जिलिंग चाय का नाम खराब हो जाएगा, लोग बाद में लेंगे नहीं दार्जिलिंग की चाय को, उन्हें लगेगा आजकल दार्जिलिंग चाय की जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं आती, जबकि वो चाय दार्जिलिंग की है ही नहीं। तो इस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं ना हो और एक रीजन से जुड़ी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी क्वालिटी मेंटेन रहे, इसलिए उस रीजन के लोगों को इस प्रकार से ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अधिकार दे दिया जाता है। एक क्वेश्चन ये उठता है अब कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को एडमिनिस्टर कौन करता है। तो देखो हमारे देश में कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ये जो बॉडी है वो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रेगुलेशंस एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 को एडमिनिस्टर करती है, और यही बॉडी किसी प्रोडक्ट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दे सकती है। समझ गए, रजिस्ट्रार है ये बॉडी ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के लिए। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, शुरुआत से देख लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में जाना, सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, निटिग्रिटीज इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कीम के बारे में सरकार ने रिलीज कर दी हैं। उसके बाद हमने क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस के बारे में डिटेल से डिस्कस किया, स्पीड ब्रीडिंग टेक्निक के बारे में हमने जाना, नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है, क्या इससे फायदा होता है, अभी क्या न्यूज़ है, सब कुछ हमने डिस्कस किया नेशनल नॉलेज नेटवर्क के बारे में। उसके बाद PIB में हमने डिस्कस किया ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के बारे में, और सबसे लास्ट में हमने डिस्कस किया कि नीलांबर टीक फेमस है केरला का, जिसे मालाबार टीक भी कहा जाता है, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिल गया है। देखो वैसे काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन जो रिसेंट के प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में UPSC कई बार पूछ लेती है। ऐसा नहीं कि आपको सारे के सारे प्रोडक्ट्स याद रखने हैं जिनको अभी तक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा मिला हुआ है, बस सिर्फ वही प्रोडक्ट्स जो फिलहाल न्यूज में हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।